हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो आज का मेरा टॉपिक है, लड्डू गोपाल तो है घर में पर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें हम? लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ आएं या फिर किसी को दे दें? तो उन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिन पर सेवा नहीं हो पा रही है हम उनको बताएंगे कि कैसे सेवा करनी है और क्या करना है। तो पहले तो लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल अपने घर में ले आते हैं या फिर किसी से बोलते हैं, मांगते हैं तो वो दे देते हैं। एक लड्डू गोपाल, दो लड्डू गोपाल, तीन लड्डू गोपाल, इस तरीके से लड्डू गोपालों को घर में रखते हैं वो लोग। तो वो लोग ये सोचते हैं ये लड्डू गोपाल अच्छे नहीं हैं इसलिए हम दूसरे लड्डू गोपाल ले आते हैं। पर फिर होता क्या है, धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता है तो उनको लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं या टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ तरीके तो ये होते हैं लोगों के वो वर्किंग वुमेन हैं, बाहर जाती हैं जॉब करने, तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हैं। वो भी बताएंगे आज हम कि कैसे, किस तरीके से वर्किंग वुमेन लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। लड्डू गोपाल तो हैं घर में लेकिन सेवा नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जिस घर में प्रवेश करते हैं वो उनका घर होता है, ये ना सोचें आप उन्हें लेकर आए हैं। लड्डू गोपाल ने खुद आपको और आपके घर को चुना है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी जरूरी है। आप काफ़ी समय से सोच रहे होंगे हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल घर लेकर आना है, लेकिन आप नहीं ला पा रहे थे। कभी ऐसा भी हो जाता है आपको उपहार में मिल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है आप लेने कुछ सामान गए हैं मार्केट, लेकिन लेकर आप लड्डू गोपाल आए, क्योंकि जब भगवान आना चाहते हैं तब वह स्वयं ही आ जाते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत से तामझाम करने पड़ते हैं। केवल और केवल आपके मन की भाव सच्ची होनी चाहिए। ये सोचें आपके घर एक नन्ना बालक आया है जो आपके लड्डू गोपाल सेवा में कोई नियम नहीं लगेगा। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, समय पर स्नान कराया जाता है, समय पर भोजन कराया जाता है, समय पर सुलाया जाता है, इसी प्रकार आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप अपने घर लाएं तब आपका यही भाव होना चाहिए। आप अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल का एक अच्छा सा नाम रखें, फिर अपने लाला लड्डू गोपाल को उसी नाम से पुकारिए और उनके साथ कोई रिश्ता बनाकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिएगा। तो अब बात करते हैं किस साइज के हमें लड्डू गोपाल घर में लेकर आएं। आप अच्छे से सोच समझ लीजिएगा लड्डू गोपाल का साइज हमें कितना बड़ा, कितनी बड़े हमें लड्डू गोपाल लेने हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपको सेवा करने के बाद वो लड्डू गोपाल आपको छोटे लगने लग जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि हम दूसरे लड्डू गोपाल लेकर आएंगे, ये छोटे हैं। तो इसलिए आप पहले से ही सोच समझ कर लाइएगा लड्डू गोपाल को। अब बात करते हैं, उसके बाद आप उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल को उठाइए जिस प्रकार आप अपने नन्हे बालक को जगाते हैं। उन्हें थोड़ा प्यार से उठाएं। उठाने के बाद उन्हें जल अवश्य पिलाएं और लड्डू गोपाल के बर्तन अलग ही रखें। उसके बाद अगर सर्दियां हैं तो 7:30 बजे लगभग आग जगा सकते हैं और गर्मियां हैं तो 6:30 बजे अपने लाला लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं। देखिए, मैं जिस प्रकार सेवा करती हूं आपको उसी प्रकार बता रही हूं, तो आपको जिस प्रकार मैं करती हूं मैंने उसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल की सरल तरीके से मैं बता रही हूं, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और साथ में आप मेरी वीडियो भी देखते जाइएगा कि मैं किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल का ख्याल और देखभाल रखती हूँ। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बर्तन, तावे, पीतल, स्टील, जो भी आप खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बर्तन पीतल अथवा चांदी के ही होने चाहिए। आपको जितनी संभव हो आप उस तरीके से अपने लड्डू गोपाल के लिए चीज़ें रख सकते हैं और उन बर्तनों को घर के प्रयोग में इस्तेमाल में ना करें, बस इतना आप याद रखें। अब बात करते हैं वस्त्र की, तो मौसम के अनुसार वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो गर्म कपड़े और गर्मियां हैं तो कॉटन के वस्त्र आप खरीद सकते हैं। उसी प्रकार आपको जल का भी इस्तेमाल करना है।
अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल जल से स्नान कराइए और सर्दियां हैं तो गर्म जल से स्नान कराइएगा। लड्डू गोपाल प्राण प्रतिष्ठित करना जरूरी नहीं होता है। अगर आपने पहले से लड्डू गोपाल घर में रख रखे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रखी है और आपको नहीं करना आता प्राण प्रतिष्ठा, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते करते आप स्वतः ही देखेंगे कि उनमें प्राण आ जाते हैं। कभी आप देखेंगे वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कभी आप देखेंगे वो नाराज हैं, वो गुस्सा हैं, उनका मुंह उतरा हुआ है, कभी आपको कुछ आहटें भी सुनाई देंगी। तो यही सब आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल की जब आप तन मन धन से अच्छे से उनकी सेवा करेंगे अपने भाव से, तो खुद ही आप देखेंगे कि उनमें अपने आप ही प्राण आ जाते हैं। एक लड्डू गोपाल ही ऐसे हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब बात करते हैं जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें। अवश्य अवश्य देखें वीडियो, तो आपको वही बताते हैं अथवा क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है, आप वर्किंग वूमेन हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है या टाइम नहीं मिल पा रहा है, वर्किंग वूमेन नहीं है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो आपको क्या करना है, सुबह में स्नान करके अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिएगा और वस्त्र पहनाकर भोग लगा दीजिएगा। भोग अगर आप चाहें तो सात्विक भोजन का ही आपको भोग लगाना है, आप चाहो तो घर में पका करके लगा सकते हैं। नहीं है आपके पास टाइम तो आपको लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी बाहर की चीज़ें, आपको दूध का भोग लगा दीजिए। दूध का भोग अवश्य लगाइए, उसका भोग लगा सकें तो आप लगा दीजिए, वरना बिस्किट होते हैं, मिश्री होती है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप दूध का भोग अवश्य लगाएं। क्योंकि लड्डू गोपाल छोटे बालक हैं इसलिए आप दूध का भोग अवश्य लगाएं, या फिर आप मार्केट से कोई भी किसी भी चीज़ का भोग ला करके लगा सकते हैं, जैसे मेवा होती है, मिश्री होती है, मिठाई, बिस्किट, नमकीन इत्यादि चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। आपको भोग लगाने के लिए ये चीज़ें झूठे हाथों से नहीं छूनी हैं। आप लड्डू गोपाल के लिए एक अलग ही डिब्बा बना लीजिए, आप उनके लिए उनकी सारी खाने पीने की चीज़ें अलग रखिएगा। जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए नियम होता है, सुबह का नाश्ता भोजन, दोपहर की चाय या दूध, शाम का भोजन कराना। अगर आप वर्किंग हैं, वर्किंग वुमेन हैं, सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको सुबह ही स्नान करा करके भोग लगा देना है। रात्रि को भोग लगा सकें तो लगाइएगा, वरना दूध का ही भोग लगा करके लड्डू गोपाल को शयन करा दीजिएगा। और आप जब भी घर से जाएं उन्हें बोल कर जाएं और उनके लिए कुछ खाने के लिए उनके पास रखकर जरूर जाएं, जिससे उनको भूख लगे तो वो खा सकें। एक छोटा सा टिफ़िन ले लें, उसमें सारी चीज़ें रख सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, और जब आप घर वापस आएं तो हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखकर बोलें प्रभु मैं आ गई, और रात्रि को भोग लगाने के बाद उनको सुला दें। इसी प्रकार आप हर दिन की पूजा अर्चना वंदना लड्डू गोपाल की कर सकते हैं। जो वर्किंग वूमेन है मैंने बता दिया है, सुबह में भोग लगाइएगा और रात्रि को भोग लगाने के बाद, दूध पिलाने के बाद, दूध का भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को शयन करा दीजिएगा। बस इतना ही कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। और जिन लोगों से जो घर पर रहते हैं उनके बच्चे छोटे हैं तो वो भी ये नियम अपना सकते हैं, बस आपका भाव होना चाहिए। आप फूल चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, पूरे दिन उनके पास बैठे हैं, सारे काम धाम छोड़ करके, ये उनकी सेवा नहीं है। लड्डू गोपाल तो ये चाहते हैं अपने कर्म व्रत निवृत्त रहिएगा, सारे काम करिएगा, घर के बाहर के सारी जिम्मेदारियां संभालिएगा, उसके साथ लड्डू गोपाल की थोड़ी बहुत सेवा आपसे हो सकती है। सुबह में और शाम में भोग लगा करके उनको शयन करा दीजिए, लेकिन आपको स्नान करा के शुद्ध वस्त्र पहना के उनको दूध का भोग अवश्य लगाएं सुबह में और शाम में। तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। मानसिक सेवा में आपको क्या करना है, जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को घर में छोड़कर जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं और आप
आपको कई दिन के लिए बाहर जाना है, ऐसी परिस्थिति में लड्डू गोपाल को जहां आप जा रहे हैं वहां नहीं ले करके जा सकते हैं। और अगर आप चाहो ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, 3 से 4 दिन के लिए, तो आपके आसपास कोई रहता है जो लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर सके, जिनके यहाँ सात्विक भोजन ही बनता हो, मांस मदिरा का प्रयोग ना होता हो, आप उनको भी अपने लाला को, लड्डू गोपाल को, उनके घर दे के जा सकते हैं, पर आपको मानसिक सेवा उनकी करनी है। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बताती हूँ, आपको ज़्यादा आडंबर से और सजाने से हमारे मन की तृप्ति मिलती है बस, लेकिन भगवान तो भाव चाहिए। अगर आप मानसिक सेवा भी देते हैं भगवान को और मन से ही सेवा लड्डू गोपाल की करते हैं, याद करते हैं उनको, तभी भी भगवान आपको आपके ऊपर खुश होंगे, खुश रहते हैं। जब तक सवाल है मंदिर में दे आने की, तो लड्डू गोपाल को आप ना ही दें, अपना एक बच्चा होता है लड्डू गोपाल, हमारे घर के सदस्य होते हैं, आप अपने घर के किसी सदस्य को कैसे भारी समझ सकते हैं, कैसे किसी को दे सकते हैं। और उनको खाना देना, और हमसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है, इसलिए हम बस अपने घर के सदस्य को, लड्डू गोपाल को, किसी और को दे आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा नहीं। जैसा कि हमारा घर की परिस्थिति है, जैसी भी भगवान हमें रखना चाहते हैं, हम उसी में खुश रहकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। उतना ही सेवा करें आप, स्टार्टिंग से अगर ज़्यादा करते हैं फिर उसके बाद कम करते हैं, वो ठीक नहीं है। आप शुरू से ही ऐसी सेवा कीजिएगा लड्डू गोपाल की कि आपको भारी भी ना लगे और आप स्वयं आपका मन करता रहे और आप करते ही रहें उनकी सेवा, और सेवा करने में दुगनी होती जाए, कम ना हो बाकी। तो इसलिए स्टार्टिंग से आप उतनी ही सेवा करें जितनी आप कर पाएँ। मन से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दें कि हमसे सेवा नहीं हो पा रही है और हमारे भगवान जी नाराज हैं। आप जब तक दिल से सेवा करेंगे और मुश्किल में पड़ने पर आपकी मदद करेंगे लड्डू गोपाल, दूसरों का देखा देखी ना करें, दिल से जितना हो जाए उतनी ही सेवा करें, जितना भी लड्डू गोपाल ने दिया है उसी में उनकी सेवा करके खुश रहिएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और हेल्पफुल रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अपने लड्डू गोपाल को किसी को भी ना दीजिएगा। और मैंने बहुत ही आपको सरल विधि से लड्डू गोपाल की सेवा करना बताया है। तो देखिए, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करती हूँ, और मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी पूरा दिन की वीडियो लेकर के आऊँगी, सुबह से रात तक की वीडियो, मैं किस तरीके से लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, सुबह उठाती हूँ, भोग लगाती हूँ, भोजन कराती हूँ, रात्रि को दूध कैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, कैसे शयन कराती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट करने में कंजूसी ना कीजिएगा, और मेरा साथी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा, भगवान आपको हमेशा खुश रखें। जय श्री राधे।